देश में कांग्रेस अब सिमट सी गई है। कुछ राज्य हैं जहां कांग्रेस बची हुई है, उस पर भी बीजेपी की पैनी नजर है। बीजेपी की नज़र उन राज्यों पर है जहां कांग्रेस काफी कमजोर है और पार्टी नेताओं में आपसी फूट है। बीजेपी इसी का फायदा उठाकर कांग्रेस से बदला लेने में जुटी है। बीजेपी देश को कांग्रेस मुक्त बनाने में जुटी है, तो कांग्रेस खुद सिमटती जा रही है। बीजेपी की नज़र कांग्रेस शासित राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी है, क्योंकि वहां कांग्रेस में अंदरूनी कलह है और बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। कर्नाटक में बीजेपी कमल खिलाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को इस्तीफे के लिए मजबूर किया था। अब वही सीन कर्नाटक में दोहराने की कोशिश हो रही है। पर्दे के पीछे डायरेक्टर की भूमिका निभाने वाली बीजेपी एक बार फिर कर्नाटक के सियासी नाटक में अपना भविष्य देख रही है। कर्नाटक में कुमार स्वामी का सिंहासन हिलने वाला है। कांग्रेस के 10 और जेडीएस के 3 विधायक बागी हो गए हैं। बागियों ने कुमार स्वामी की नींद हराम कर दी है। कांग्रेस और जेडीएस के बीच विधायकों को मनाने का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक विधायक नहीं माने हैं। सिद्धारमैया का दावा है कि कर्नाटक सरकार पर कोई भी संकट नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में सियासी नाटक के पीछे बीजेपी का हाथ है। क्लियरली शोज दैट बीजेपी इज बिहाइंड ऑल दिस डिफेक्शन। गवर्नमेंट विल सर्वाइव, देयर इज नो थ्रेट टू द गवर्नमेंट। एक तरफ कांग्रेस और जेडीएस अपने अपने विधायकों को मनाने और कुर्सी बचाने में जुटी है, वहीं बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि कर्नाटक के नाटक में उसका कोई रोल है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस के बीच अंदरूनी खींचतान की वजह से ये सब हो रहा, वो कर्नाटक के सियासी घमासान पर नजर बनाए हुए है। देखिए, कर्नाटक में जो एक नंबर की पार्टी है वो विपक्ष में है, जो 3 नंबर की पार्टी है उसका मुख्यमंत्री है, जो 2 नंबर की पार्टी है वो मलाईदार मंत्रालय लेकर बैठे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। वहाँ जेडीएस और कांग्रेस के नेता सिर्फ मलाईदार मंत्रालय में मजा मारने को बैठे हैं, इसलिए वहाँ पर कई विधायक रिजाइन कर रहे हैं। अमेरिका से लौटे मुख्यमंत्री कुमार स्वामी कुर्सी बचाने में जुटे हुए हैं, वहीं बागी विधायक मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। अभी विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, विधानसभा स्पीकर जल्द फैसला लेंगे। विधानसभा सत्र 12 जुलाई से शुरू हो रहा है, इससे पहले कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, बैठकों का दौर जारी है। अब सवाल है कि कांग्रेस और जेडीएस मिलकर कर्नाटक का किला बचा लेगी? क्या कुमार स्वामी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे या बीजेपी कर्नाटक में कमल खिला देगी? क्या स्पीकर बागी विधायकों का इस्तीफा मंजूर कर लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो कुमार स्वामी सरकार संकट में आ जाएगी। अब सवाल है कि कर्नाटक में सियासी नाटक के पीछे किसका हाथ है? कौन है जो इस सियासी नाटक का पटकथा लिखा है? क्या बीजेपी की नज़र कांग्रेस के राज्यों पर है? क्या कमजोर और नेतृत्व विहीन कांग्रेस कर्नाटक की कुर्सी बचा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट।